जब भी हम किसी के आभारी होते हैं या किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू। लेकिन थैंक यू बहुत ही कॉमन और ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है और कई सिचुएशंस में सिर्फ थैंक यू कह देना काफ़ी नहीं होता। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि थैंक यू की जगह आप और कौन से एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि हम आपकी इंग्लिश सीखने में और भी ज़्यादा हेल्प कर पाएं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप किसी को थैंक यू तभी बोलते हैं जब आप उसके आभारी होते हैं। तो आप सीधे अपना आभार प्रकट कर दीजिए बाय सेइंग आई एम ग्रेटफुल या आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई अप्रिशिएट इट। कोई जब आपकी मदद करे तो आप उसे बता सकते हैं कि उनकी हेल्प आपके लिए कितनी मायने रखती है। ऐसे में आप थैंक यू की जगह आई अप्रिशिएट इट कह सकते हैं। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, ये आप तब कह सकते हैं जब आप किसी को ये बताना चाहें कि उनकी हेल्प के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। जैसे कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओ आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, आई ओ यू वन। कई बार किसी को सिर्फ थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं होता, उनका एहसान चुकाना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू की जगह आप आई ओ यू तब कहें जब आप उनकी भी किसी तरीके से मदद करना चाहें। मच ऑब्लाइज्ड, ये आप थोड़े फॉर्मल तरीके से लेकिन मीनिंगफुली थैंक्स कहने के लिए कह सकते हैं। किसी टेक्स्ट या ईमेल के साइन ऑफ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही एक और एक्सप्रेशन है मच अप्रिशिएटेड, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। ये एक्सप्रेशन आप तब यूज़ करें जब कोई आपके साथ में हो या आपका साथ दे या सपोर्ट करे। इफ़ समवन इज़ ऑन योर कॉर्नर दे हैव योर बैक, और आप उन्हें थैंक यू ऐसे ही कह सकते हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। जब कोई आपकी तारीफ करे तो थैंक यू की जगह आप दैट्स सो काइंड ऑफ यू कह सकते हैं। जैसे यू लुक लवली टुडे, ओह दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये आप तब भी कह सकते हैं जब किसी की हेल्प आपको दिल से अप्रिशिएट करनी हो। दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी, ये आप तब कहेंगे जब किसी ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की हो या फिर किसी ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया हो जो शायद कोई और ना करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगले वीडियो का वेट करें जिसमें हम और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपकी इंग्लिश लर्निंग को इजी बनाएंगे। सी यू गाइस सून, बाय बाय।